किसानों और सत्तासीन नेताओं के बीच होने वाले टकराव बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही किसानों का विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तीन दिन पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसान आंदोलनकारियों व हिसार के भाजपा एमएलए डॉक्टर कमल गुप्ता के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद अब किसानों ने डॉक्टर गुप्ता के घर के सामने धरना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने डॉक्टर गुप्ता के निवास को छावनी में तब्दील कर दिया है और रास्ता बंद कर दिया है। मलिक चौक वाले रास्ते से किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। किसान डॉक्टर गुप्ता के बयान के बाद गुस्से में है और डॉक्टर गुप्ता से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की घटना के बाद बयान दिया था कि कोई चार बार करेगा तो वो भी बचाव में एक बार करेंगे। इसी बयान के बाद से किसानों में डॉक्टर गुप्ता के प्रति गुस्सा है। उनका कहना है कि जब तक विधायक माफी नहीं मांगेंगे वो अपना धरना जारी रखेंगे। किसान बिल्कुल शांति प्रिय बैठे गए और गुप्ता के कहता है एक मारोगे चार मारेंगे, मकराटे जुड्डो का खिलाड़ी हूँ, खुला चैलेंज दे हाँ, खुद भी आज आपको लठे तन ले आवाड़े बैठे हैं। किसान शांति प्रिय, किसान हिंसा का उसमें नहीं है, जमा शांति प्रिय उरे धरना लावांगे चौका दिन में जियो उसके लठे इतरो देखना हमने। कितनी देर तक दिया जाएगा? अनिश्चित काल। क्या टोल वगैरह भी कुछ टाइम के लिए जाम किए गए? टोल अभी माये टोल बिल्कुल बंद हो जाएगा। चौधरी वास के भाई यहाँ से गए हैं, वो भी अब जाते ही साथ टोल बंद कर देंगे।